बरेली उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। एटीएम काट रहे चोरों ने दरोगा को मारी गोली, गंभीर हालत में बरेली अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। बरेली जनपद की आधी रात जहां पर गश्त पर निकले दरोगा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में दरोगा को छीन दिया। बता दें कि अस्पताल में दरोगा का उपचार जारी है, हालांकि दरोगा को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटनाक्रम में जहां पर मुताबिक बरेली जनपद के अंतर्गत आंवला में घंटाघर भूमि विकास बैंक के पास ही ऑल बैंकिंग एटीएम के बाहर आधी रात बता दें कि 2:15 पे जहां पर संदिग्ध व्यक्ति को खड़ा देख गश्त पर ब्राह्मण शील दरोगा प्रवीण कुमार इस संदिग्ध व्यक्ति से ऑल बैंकिंग एटीएम के बाहर में खड़े होने के कारण पूछा, तो इसी के दौरान अनंत फनन में एटीएम के अंदर से आए एक महिला और पुरुष ने दरोगा को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और इससे पहले कि दरोगा कुछ समझ पाता फायरिंग करते हुए जहां पर बदमाश फरार हो गए। बता दें कि घटना में दरोगा प्रवीण कुमार को छीन दिया। सूचना पर SHO के अलावा मनोज कुमार CO चमन सिंह चारो तथा SPRA राजकुमार अग्रवाल मौके पर पहुंचे। प्राइम बीके न्यूज चैनल के सुशील चंद वर्मा बरेली उत्तर प्रदेश। थाना आंवला के अंतर्गत रात्रि 2:15 के आसपास हल्का दरोगा प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे और इस बीच एक भूमि विकास बैंक के पास में एक ऑल बैंकिंग ATM लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ संदिग्धों को देखकर वो रुके और एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था उससे पूछताछ करने लगे। तो इसी दौरान ATM के अंदर से एक महिला और एक पुरुष बाहर आए और उनके द्वारा दरोगा को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर कर लिया गया और उसमें जो हल्का दरोगा है उनके कुछ छर्रे लगे हैं। मौके से तीनों ही लोग फरार हो गए और जब पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो ATM के अंदर एक गैस कटर मशीन रखी हुई थी जिससे कि उनके द्वारा जो ATM है उसको काटने का प्रयास किया गया था। जो हल्का दरोगा है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा मौके पर CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला के शामिल होने की बात निकल के आ रही है। तीनों को पहचान कर चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।